गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज बात करेंगे अडेनियम प्लांट को कैसे हम बारिश से बचाएं। जैसे कि इस टाइम हमारे यहाँ बारिश हो रही है एक दो दिन से, और तो फ्रेंड्स मैंने अडेनियम के प्लांट को पहले जो पहला पॉइंट ये है कि आप जो है हमेशा इसको शेडी प्लेस में रखें। अगर आपने टेरेस गार्डन बना रखा है तो आप हमेशा इसको शेडी प्लेस में रखें। दूसरा, आप ये देख सकते हो, ये मेरा जो है ये भी मेरे नेबर्स ने अभी दिया था अडेनियम। ये बहुत छोटा है, मुझे परसों ही अभी मिले हैं, तो मैंने इसको ऐसे लगा दिया है। और ये तो मेरा बहुत पहले का ही है, अभी धीरे धीरे इसकी ग्रोथ हमें अब आ रहा है रिपोर्टिंग करने के बाद से। तो फ्रेंड्स, और सेकेंड पॉइंट ये है कि जब आप बारिश शुरू होती है तो उसको शेडी प्लेस में रखें। और थर्ड ये है कि जब आप जैसे आप रखते हो, जैसे आपने कहीं पे इसको जो रखा है उसके नीचे आप पत्थर वगैरह या ईंटें लगा दो, ताकि ये एक पे, जैसे कि मैंने इसको ऐसे लगा रखा है, तो ऐसे ये हो जाएंगे। और इसके ऊपर जो है, जो ये मिट्टी है, इस मतलब कि एकदम एक जैसी रहे, तो इस पर आप मिट्टी की एक लेयर, बालू की सैंड लगा दीजिए, और उसके ऊपर से पेबल्स बिछा दीजिए, जो पत्थर होते हैं ना। इससे क्या होगा कि पानी जो है इसमें पूरा भरेगा नहीं, इसके कॉडेक्स कभी ख़राब नहीं होंगे, और इसमें आप जो राइसस का आता है वो भी आप डाल करके रख सकते हो, उससे कुछ मल्चिंग का ही काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, इस प्लांट में। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप पत्थर इसमें रखोगे तो कहीं इसके पानी वगैरह मतलब इकट्ठा नहीं होगा, और नीचे से भी इसका ड्रेनेज होल भी बहुत अच्छा रहेगा। ड्रेनेज होल आप ज़रूर अच्छा रखिएगा। और सेकेंड पॉइंट ये है कि जब भी आप इसको, इसके प्लेस को हमेशा रिप्लेस करते रहिए। जैसे अभी आपने, मैंने इसको ऐसे रखा है तो मैंने दूसरी जगह उठा करके इसको कर दिया, ये चीज़ आप ज़रूर करिए। और अगर आपको लगता है कि आपने छोटे प्लास्टिक बैग में मतलब इसके शीट्स बोए हैं और इतना छोटा छोटा प्लांट है, तो आप इसको ऐसे नीचे के साइड में करके ऐसे करके आप रख दो जहाँ पे आपके हों। और देखिए, मैंने इसमें भी अभी छोटे छोटे पत्थर डाल करके रखे। अगर आपको पत्थर नहीं मिलता है तो आप जो सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्क में छोटी छोटी गिट्टी आती है वो भी डाल दीजिए, इससे भी आपका प्लांट बहुत से हुआ। बस आपको पूरी मिट्टी नहीं भरनी है, इसमें थोड़ी जगह रहेगी तो ये बहुत अच्छे से मतलब आपका प्लांट चलेगा, और आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। और सबसे लास्ट और बहुत ज़रूरी, कि इसकी कटिंग आपको बारिश में नहीं करनी है, वरना ये पानी लग के पूरा इसमें रूट रॉट हो जाएगा। और ये फिर अगर आप इसमें करते हो तो अगर आप इसमें बारिश की वजह से कुछ आपको लगता है फंगल के लिए, तो आप साफ का जो पाउडर आता है फंगिसाइड, वो आप दे सकते हो, तो वो बहुत अच्छे से चलेगा। आप साफ की जगह आप हल्दी का भी यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छा एक मतलब वो प्लांट्स के लिए है। तो फ्रेंड्स, ये था अडेनियम प्लांट को कैसे हम बारिश में सेव करें, कैसे बचाएं, तो ये आप ज़रूर करके देखिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।